यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने हमारे फ्रेंड को काम पूरा रेस्क्यू किया था। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसकी पूरी बैंड टीम को बचाते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको ड्रग सप्लाई करने को कहा गया था पर उसने नहीं किया, जिस वजह से उसके घर पर टेरिस्ट अटैक हुआ था। अब जब उसने मना कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, उसकी टीम को किडनैप कर लिया। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पे नहीं हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना यार, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो पहले कोई गाड़ी ढूंढते हैं। मेरे को सबसे अच्छी वो वाइट कलर की कार लग गई थी जो मैंने देख ली थी। अब चलते पहले सबसे पहले उस गाड़ी को लेते हैं, फिर चलते हैं देखते हैं कहाँ। ओ भाई साहब रुक के एक सेकेंड, मतलब ठोक ही दे रहे हैं यार पुलिस के सामने। कितने आराम से गाड़ी चोरी कर लेता है यार। अभी आप लोगों को कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा ना कि आप लोगों को कुछ मज़ा ही आ जाएगा। इस समय हमारी दुश्मनी हो जाती है एक ऐसी गैंग से जो भाई हमारे सिटी की सबसे बड़ी गैंग है। अब बेसिकली हुआ क्या था, जो हम लोगों ने नया गैराज लिया था उसमें हमारा जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे वहाँ पर बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो जो हमारा दोस्त है उसकी पूरी टीम भी आई थी, तो उन लोग हम लोग नहीं थे, हम लोग दूसरे मिशन पे थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ देख लो वीडियो। तो हम लोग दूसरे मिशन पे थे, जिस वजह से उन्होंने क्या कहते वहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की और हमारी सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया और हम उनके बैंड के पूरे टीम को उठा ले गए। उसको इसलिए नहीं उठा ले गए ताकि हम लोग उसके एरिया में जाएं और वो हम लोगों को मार सके, इसीलिए वो हमारे टीममेट को नहीं उठा ले गया, फ्रेंड को नहीं उठा ले गया। और उसने मतलब उसके फ्रेंड पूरी टीम को उठा लिया, जिस वजह से आज हम लोग उसके टीम को रेस्क्यू करेंगे। तो चलते हैं पहले यहाँ पर, मेरे को किसी ने इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था तो वो हम लोगों को मिल चुकी है। चलते मिशन की ओर। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे सुन ही लिया होगा कि हम लोगों को पहले तो येलो मार्क पर पहुँचना है, तो जल्दी चलते हैं येलो मार्क पर। और आप लोगों को उस टीम का नाम बता दूं भाई, वो बेसिकली एक तरीके का यहाँ का गैंगस्टर टीम है जो सारे मतलब क्राइम्स वगैरह करती है आप लोगों के, रॉबरी से लगा के किडनैपिंग तक सब कुछ वही करती है। तो इस समय जो हमारी टीम के बंदे हैं वो इस गाड़ी में जा रहे हैं। अब हम लोगों को इस गाड़ी को फॉलो करना है और कुछ सीन ऐसा होगा जो भाई आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। अभी इस गाड़ी ने टर्न ले लिया है क्योंकि हम लोग इसके पीछे हुए थे, तो अब हम लोगों को इस गाड़ी को वहाँ तक पहुँचने से रोकना है। अब मैं इसको पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको मैं दूसरे ट्रैक पर ले जाऊँ, पर नहीं आई ये फुल, कभी ब्रेक लगा लेता तो कभी कुछ और कर लेता है, जिस वजह से ये कहते उसी वीडियो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ, आप वीडियो को लाइक करो तो लाइक बटन को मतलब पेल के तक तो जल्दी से जाओ। तो हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं। मैं इसको पूरी कोशिश करता हूं कि ये अपने रूट से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये कहीं और से जाए, क्योंकि हम दूसरी साइड हमारे टीम के लगे हुए हैं, बंदे लगे हुए हैं। अगर ये यहाँ से लेफ्ट ले लेता है तो ये इसकी टीम बचाई जा सकती है, पर यहाँ से इसका एरिया शुरू हो जाता है, जिस वजह इसने अपने गैंगस्टर को मार डाला। अब देखो भाई मतलब क्या चला रहा है, खटारा गाड़ी लेके भी बहुत स्पीड भगा रहा है। हमें इसको पूरी कोशिश करना भाई, देख लो पूरी पुलिस मिलिट्री सब बुला के इन लोगों ने खड़ी कर ली है, क्योंकि भाई ये आप लोगों को मैंने बताया था जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ गैंगस्टर जरूर होते हैं। अब भाई देख लो इसको जैसे तैसे यहाँ रोक तो लिया, अब यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स इसको बताएंगे और आप लोगों ने देख चुके होंगे कि बंदे तो आ ही चुके हैं। अब हम लोग को मारना बंदों को, अब ये इसको हम लोग के टीम मेट संभालेंगे जो आने वाले हैं कुछ देर में। अब पहले हम लोग मारते हैं इन सभी बंदों को, क्योंकि अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो ये लोग हम लोग को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो चलते हैं यहाँ पहले जल्दी से सभी को किल करते हैं। टोटल यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 से 6 बंदे हैं, सभी को मार दिया है यार। समय आपके भाई को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड तक शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। भाई साहब मतलब ये सोचा था मैं उधर से आऊँगा, नहीं भाई तेरे को सब्सक्राइब मिल गया है, अब चलते हैं। ओ भाई साहब मतलब यहाँ पे तो पूरा एकदम गैंगस्टर टाइप बना के रखता है, हेलीकॉप्टर से लगा के। अब हमारी पूरी टीम रेस्क्यू हो गई और यहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नए मिशन की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों को उसने कुछ कार प्रोवाइड की और लोकेशन दी, तो चलते हैं पहले लोकेशन पे, बाद में देखते हैं क्या होना है क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे को सिटी में गैराज बनाना चाहिए, पर सिटी में गैराज बनाने की वजह से गैंगस्टर लोगों ने मेरा गैराज ही तोड़ दिया। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ कि अब गैराज वगैरह छोड़ो, आप कोई सीक्रेट लोकेशन लेंगे। वो भाई साहब हम लोग आ गए, ये बहुत ज़्यादा ऑसम प्लेस लग रही है, मतलब दोनों तरफ से दीवार, चारों तरफ से दीवार है, ये एक तरीके से पूरा एक लैंड पर बना हुआ है जो ओशियन का एक दीवार के ऊपर है। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जिनको हम लोगों को मारना होगा। पहले एक ये आ रहा है, इसको मारते हैं, क्योंकि अगर इसने कोई भी लोकेशन दे दी हमारी तो भाई सारे क्या कहते एकदम चौकन्ना हो जाएंगे और पुलिस वगैरह मिलिट्री मतलब हेलीकॉप्टर तक बुला लेते हैं ये लोग है भले ही गैंगस्टर, पर पुलिस वाले भी इन लोगों का पूरा साथ देते हैं। अब भाई देख क्या मतलब क्या इन्होंने टनल बना के रखी, भाई इतनी औसम लग रही दोनों तरफ से दीवार का वाटर गिर रहा है, भाई साहब कितनी औसम लग रही यार। ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना यार। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को औसम लगी। तो अब कुछ दो ही बचे हुए हैं, एक सामने और एक मेरे जस्ट सामने टहला है। अब ये नीचे होता है कि हम लोगों को मारने आ रहा है, पहले गन पकड़ना सीख लो, तुम लोग से गन तो चलती नहीं है, मारने चले हैं। और यहाँ पर हमारा शायद दूसरा मिशन, ओ भाई साहब यहाँ पर अब जो मेन गैंगस्टर था उसको हम लोगों को पकड़ना है। अब भाई देखना है ये आप लोगों को कैसी अंडरग्राउंड प्लेस मिले जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए यही ऐसी कोई लोकेशन ले लूँ, तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे को कैसी लोकेशन लेनी चाहिए। अभी आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये मेरे को ऐसी जगह ले जाएगा एयरपोर्ट के नीचे जहाँ पर मैं आज तक नहीं गया। अब देखो क्या टर्न मार रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है जैसे इसको डेली भागने की आदत है। मैं इसको इतनी फायरिंग करके मार रहा हूँ तो भी ये बच जा रहा है। भाई देख लो मतलब जगह जगह इसके गैंगस्टर्स लगे हुए हैं, ये देखो एक पुल पीछे निकल गया, एक ये निकल गया, मतलब अब इसने थोड़ा अपनी बोट स्लो करी है, वरना इतनी तेज कंटिन्यूएशन में ले जा रहा है ये अपनी बोट। मेरे को तो लग रहा है ये इसकी कोई लोकेशन यहीं पर है। वो भाई साहब मतलब कहाँ ले गया ये मेरे को, मैं वापस जाने की कोशिश भी करूँगा तो नहीं जा पाऊँगा यार। मतलब पूरा अंडरग्राउंड सिटी के आप लोग जिस समय जहाँ देख रहे हो हम लोग खड़े हैं वो पूरा एकदम अंडरग्राउंड है। हम लोग उसको कैच कर ले। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं चैनल को सब